नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भारत आदिवासी पार्टी ने डूंगरपुर विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भारत आदिवासी पार्टी ने पहली लिस्ट में 10 नाम और दूसरी लिस्ट में 5 नाम के साथ तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें डूंगरपुर विधानसभा से कांतिलाल रोहत आदिवासी को टिकट दिया गया है। डूंगरपुर विधानसभा सीट पर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांति भाई रोहत आदिवासी को उतारा गया है। सोशल मीडिया पर किए गए सर्वे के अनुसार कांति भाई रोहत को जनता ने काफी पसंद किया है, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी की सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा कांति भाई रोहत आदिवासी को डूंगरपुर विधानसभा सीट पर मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी इसी वर्ष चुनाव मैदान में उतरी है और आदिवासी बहुल इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। यहाँ पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की नींदें हराम कर रखी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जो भी सरकार बनेगी उसमें अपना अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि आदिवासी विधानसभा क्षेत्र ही तय करते हैं कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी। आदिवासी वोट बैंक ही राजस्थान सरकार का चयन करते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी ताकत लगा रखी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। ऐसी ही जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में दबा देना बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके।